साइज बढ़ गया है श्रीलंका और पॉपुलेशन के कारण पॉपुलेशन बढ़ गया है। टॉपिक था कि बीबीए क्यों करना चाहते हैं, जीडी में टॉपिक था बीबीए क्यों करना चाहते हैं। हम लोग का 5-5 का ग्रुप बना दिया गया था, एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया था, 5 मिनट्स दिया गया था। जान रहे आपका पूर्वा दीदी ना? हाँ, मैं चैनल लिखते हो? हाँ, देखते हैं। कैसे गया? नमस्कार, मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कैंपस में। साथ ही यहाँ पर देखिए, इस साल 2022 के सेशन के लिए स्टूडेंट्स का यहाँ पर एंट्रेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देकर अभी जो हैं क्लास से बाहर निकल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स से कनेक्ट होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों का एग्ज़ाम था यहाँ पर? या मैम। किसका? बीबीए का था। बीबीए कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम? बढ़िया गया। इसमें इस बार आप लोगों का जीडी भी था और इंटरव्यू भी था। जीडी में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे? बस नॉर्मली जो होता है, जैसे कि ग्रुप में टॉपिक दिया गया था। आप लोगों को कौन सा टॉपिक दिया गया था? ये क्या बोलते हैं, श्रीलंका को लेकर। श्रीलंका को लेकर क्या? इतना मतलब आपके जीडी में क्वेश्चन है श्रीलंका को लेकर, आपको ये नहीं पता अभी? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग और कुछ स्टूडेंट से जो है यहाँ पर हम लोग कनेक्ट होते हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, आप लोग का एग्जाम था जीडी? हाँ, कैसा गया? बहुत अच्छा गया। क्या टॉपिक मिला था आप लोगों को जीडी में? टॉपिक मिला था वो करंट इशूज ऑफ श्रीलंका। करंट इशूज ऑफ श्रीलंका, क्या चल रहा है अभी श्रीलंका में? पता नहीं क्या चल रहा है, प्राइस शायद बढ़ गया है और लैंड का प्राइस बढ़ गया है श्रीलंका और पॉपुलेशन के कारण पॉपुलेशन बढ़ गया है। आई थिंक सो, मुझे ऐसे परफेक्ट। और इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? इंटरव्यू में पूछा गया कि आप रांची कॉलेज क्यों आना चाहते हो और आपने कहाँ से अपनी 12th किया है और यहाँ का टीचिंग के बारे में पता है या फिर आप, हाँ, यहाँ के टीचिंग के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में और गर्ल्स एजुकेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये आप लोगों से एकेडमिक क्वेश्चन पूछे गए, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया? हम लोग के बारे में पूछा गया कि तुम्हारा पर्सनल पास्ट और फ्यूचर में क्या होगा या तुम क्या बिलोंग या क्या चीज़ तुम बनना चाहती हो, उसके बारे में क्यों तुम वो चीज़ चॉइस की है। ओके, और करेंट्स में अभी ये एक कार ये हुआ है स्कॉर्पियो का, एन स्कॉर्पियो का की कार, तो वो टाइप का। और ये झारखंड का जो गवर्नमेंट वो किस किस पार्टी का कोलैबोरेशन से बना है जीके और करेंट एग्जाम कर देखिए। स्टूडेंट्स जो है इधर से निकल रहे हैं एग्जाम देकर और तो कुछ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर कनेक्ट। एग्जाम कैसे गया आप लोगों का? अच्छा गया। जीडी में क्या टॉपिक था आपका? टॉपिक था कि बीबीए क्यों करना चाहते हैं। जीडी में टॉपिक था बीबीए क्यों करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर जो काफ़ी भारी मात्रा में देखकर लग रहा है जो स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन यहाँ पर बीबीए को लेकर, जैसा कि आपको पता ही होगा बीबीए को लेकर जो क्रेज़ है बीबीए कोर्स को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा है युवाओं में, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है जो लोग अभी एग्ज़ाम देकर निकले हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ और लोगों से, आप लोगों का एग्ज़ाम था यहाँ पर? आपका एग्ज़ाम था? कैसे? जान रहे आपका पूर्वा दीदी ना? हाँ, मैं चैनल लिखता हूँ। हाँ, देखते एग्जाम कैसे गया? अच्छा गया एग्जाम। अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था यहाँ पे, जेवर से इजी था। हाँ, अच्छा, तुमने जेवर का भी एंट्रेंस दिया है? हाँ, जेवर का भी दिया था। अच्छा, तो वो टफ था और ये थोड़ा इजी? यहाँ बहुत इजी था, यहाँ ग्रुप डिस्कशन भी हुआ, पर्सनल इंटरव्यू भी, सारा इजी था। थोड़ा ग्रुप डिस्कशन तुम्हारा किस तरह से कंडक्ट किया गया है उस पर थोड़ा फोकस करके बताना हमारे दर्शकों को। इसे 4-5 स्टूडेंट को एक साथ कर दिया गया, उसमें एक टॉपिक दे दिया गया, उसमें बोला गया कि आपस में डिस्कस करने के लिए, उसमें लीडिंग पावर, डिसीजन मेकिंग, इंटरप्रेनर और कौन किस तरह से समझा सकता है उस हिसाब से बोला गया, जिसको जैसा एबिलिटी सर को दिखा सर उस हिसाब से मार्क। अच्छा, तो जब तुम लोगों को मतलब 5 के ग्रुप्स थे, ओके, तो इंडिविजुअली सबको बोलने के लिए बोला गया कि या फिर इट वॉज काइंड ऑफ अ डिबेट? नहीं, इंडिविजुअली सबको, पहले डिबेट हुआ उसके बाद इंडिविजुअली सबको बोलने के लिए बोला गया और सर भी पूछे थे उस हिसाब। ओके, इसके बाद फिर तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? इंटरव्यू ऐसे क्लास में ही हुआ था, सारा कंप्लीट होने के बाद सर एक एक करके सबको बुलाए थे, तो अपने बारे में पूछे, कहाँ से पढ़े वो पूछे और बीबीए किस लिए ले रहे हैं, आगे क्या सोचे, वही सब बस। 9-10 कैंसर वीकेंड, मतलब 11-12 से कुछ भी नहीं आया, भी नहीं था, 8-9-10 से ही क्वेश्चंस था। और किस तरह क्वेश्चन थे, कुछ स्पेसिफिक अगर आप लोग को याद? मोस्टली जनरल नॉलेज बेसिस, करंट अफेयर्स, हु इज द गवर्नर एंड मोस्ट ऑफली एजुकेशन मिनिस्टर एंड मैथ्स एंड लॉजिकल अरिथमेटिक्स मोस्ट प्रोबेबली। हम लोग का 5-5 का ग्रुप बना दिया गया था, एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया था, 5 मिनट्स दिया गया था प्रिपेयर करने के लिए और उसके बाद फिर हम लोग से मैम का मतलब बैठा के एक जगह और फिर करी थी, सबको अपना अपना व्यू दिया था जीडी में। आप लोगों का क्या टॉपिक था? बैंकिंग। बैंकिंग, इसमें किस तरह से आप लोगों का डिबेट हुआ, कुछ याद हुआ? मतलब गवर्नमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स, मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल सिटीजंस, लोन प्रॉब्लम्स, कैसे लोन्स नहीं मिलते बहुत सारे पुअर पीपल्स को,
पे। टाइम कितना प्रोवाइड किया गया था आप लोग? 5 to 10 minutes। 5 to 10 minutes के बाद फिर आप लोगों को PI इंटरव्यू के लिए भेजा गया। उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे? उसमें बेसिक इंट्रो पूछा गया था, कहाँ से स्कूलिंग कॉलेज वगैरह किए हैं और फ्यूचर गोल्स क्या है इसके बारे में। I have to do business. I have well settled business also, but I have to take it to a higher position. That's why I am taking BBA. To get the entire knowledge of business, and then after it, I will be doing MBA, and obviously then a well paid job. Exam अच्छा गया? काफी students ने कहा कि GK से काफी questions आए थे। किस तरह questions थे? आए थे, but वैसे थे कि जो सबको पते हैं। Like? जैसे कि गवर्नर कौन है, कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कौन है? रमेश बैस अभी नए बने हैं गवर्नर, और फिर जगन्नाथ महतो जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मुझे बहुत ईजी लगे। आपका GD में टॉपिक क्या था? GD में हमारा टॉपिक था ये वर्क फ्रॉम होम, मतलब उसके क्या क्या बेनिफिट्स और मतलब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ऐसा कुछ। तो आप 4 में थे या ऑफ में? ऑफ में। क्या क्या बोला आपने, आपके पॉइंट्स क्या थे? ऑफ में इसलिए कि अभी जैसे कि कोविड पीरियड के टाइम के बाद जो भी है उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी, जैसे कोई बहुत लोग अवेयर नहीं है इस बारे में और बहुत कोई को जानकारी भी कम है इसलिए। यहाँ पर आप लोग जब एंट्रेंस एग्जाम अंदर देने गए थे तो आप लोगों का स्टूडेंट्स का जो पॉपुलेशन है, भीड़, वो कैसा लगा देखकर? लगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है? ऑफ कोर्स, जब मैं आई सुबह सुबह तो मुझे लगा कि इतने सारे बच्चों ने भरा और सीट सिर्फ 230 है, तो उसमें बहुत लग रहा था कि चांसेस कम है। 400 है, दो शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 200 हैं और दूसरे शिफ्ट में 200। तो कंपटीशन तो बहुत जाने वाला है। बहुत ही है कंपटीशन, बट लगता है कि हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, ओके। तो ऑल दी करेंट अफेयर्स अगर थोड़ा भी न्यूज़पेपर डेली पढ़ते होंगे तो हो जाएगा आराम से। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? जैसे करेंट गवर्नर का नाम पूछा गया था। सब्जेक्टिव था MCQ, ऑनलाइन ऑफलाइन? MCQ था, ऑफलाइन था, OMR शीट पे फिल अप। OMR से तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, क्या क्या कवर करें वो? बस करेंट अफेयर्स पढ़ो और हल्का फुल्का इंग्लिश देख लो यार, हो जाएगा आराम से। आराम से हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन 15K के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देखते हैं अब हमारा? हाँ, आपका सारा वीडियो देखते हैं। तो आज हमारे चैनल पे आपका फिर से आपका इस वीडियो आने वाला है, जरूर देखना, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम था? हेलो, नहीं, ओके। आप लोगों का एग्जाम था? कैसे गया? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या था GD में टॉपिक? क्या था GD? ये वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट, क्या क्या बोला आपने? मैंने बहुत और में थे, अगेंस्ट में? ऑनलाइन अगेंस्ट, अगेंस्ट में। क्या क्या पॉइंट्स क्या थे? अभी तो याद नहीं है, वो टॉपिक मिला था वहीं पे लिखे और बोल दिया। कितने COVID-19 ऑनलाइन एजुकेशन में, COVID-19 में एडवांटेज पॉइंट्स क्या क्या बोला तुमने GD में? GD में एडवांटेज ये भी हो सकता है कि वी हैव टू सफर मेनी प्रॉब्लम्स इन द COVID-19, मोस्ट ऑफ द फैमिली नॉट एफर्ट द डाटाज, मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट आते ये मतलब कि फर्स्ट पहली बार दिए थे वो, कि उनको दोनों को सफर फर्स्ट टाइम करना था, ना टीचर्स को पता था ना स्टूडेंट्स को पता था कि कैसे उनको क्या करना है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया? पर्सनल इंटरव्यू में मेरा नाम, मैं क्या नाम है आपका? मानव कुमार शर्मा। मानव कुमार शर्मा, क्यों लेना है आपको BBA? बिकॉज आई हैव टू, ये हमको बिजनेस सेक्टर में जाना है। मैम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के वजह से मैम बच्चा लोग आजकल बाहर नहीं जा रहा है गेम प्ले करने के लिए, मोबाइल में है, उससे मैम स्ट्रेस बढ़ रहा है बच्चा लोग के प्रति, और फिर वो पेरेंट्स के प्रति जिद कर रहा है कि हमको फ़ोन चाहिए, ये चाहिए, बस। GD का टॉपिक सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, आपका टॉपिक क्या था GD का? मेरा, हमसे हॉबीज पूछा गया था। क्या हॉबीज है आपका? मेरा हॉबीज है रनिंग, स्विमिंग। हेलो सर। हाँ, क्या टॉपिक था? मेरा टॉपिक था, टॉपिक क्या था मेरा? मेरा हाँ, इंटरनेट। उम्मीद है ना लिस्ट में नाम आ जाएगा? हाँ, लग तो रहा है। मतलब याद रहेगा ना कि फॉर्म भरे हो? सेकंड फॉर्म था ये। सेकंड, ओके। चॉइस थोड़ी था यहाँ भरने। हेलो, आज मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में आई हुई हूँ और यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रही है। यहाँ पे हम जानते हैं स्टूडेंट लोगों की एक्सपीरियंस कैसी थी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। का एंट्रेंस एग्जाम था किस सब्जेक्ट का? BBA कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम था। अच्छा, तो आपका एग्जाम कैसा गया? एग्जाम ओवरऑल अच्छा गया। और पैटर्न किस टाइप के थे एग्जाम के? उसमें इंग्लिश के बेसिक्स क्वेश्चन आए हुए थे, फिर झारखंड के करंट अफेयर्स भी थे, मैथ्स भी थे, और कुछ कुछ रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इंग्लिश में जो होते हैं कि रिलेशन बनाइए, उस टाइप के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे थे। जैसे प्रिपेयर किया था आपने, उस टाइप के क्वेश्चन आए थे? अच्छा। और आपको लगता है कि आपका निकल जाएगा? उम्मीद तो है कि निकल जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।
मतलब जितना सोचा था उससे काफ़ी ईजी आया क्वेश्चन, तो अच्छा था, ईजी था, मतलब आपने जैसा प्रिपेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग आया था, उसके अकॉर्डिंग आया था और ईजी था तो ठीक था। किस टाइप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे? लॉजिकल रीजनिंग थे और बेसिक इंग्लिश थे और थोड़ा बहुत मैथ था। तो अगर कोई 10th भी पास किया होगा तो अच्छे से पास किया होगा, अच्छे परसेंट तो उसका आ जाएगा ना। अच्छा, तो मतलब आपके बोलने का मतलब है कि 10th लेवल वाले क्वेश्चंस थे, इंग्लिश के 10th लेवल वाले। और अगर कोई ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल भी करता है तो वो नॉर्मली ऐसे निकाल देंगे अपना नाम, इतना ईजी था क्वेश्चन। Okay. कुछ स्टूडेंट से जो है यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश किया और जानने की कोशिश की उनका जीडी वगैरह में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए, उनका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह में किस तरह क्वेश्चन आए, साथ ही उनका जो एंट्रेंस एग्जाम था वो ओएमआर सीट पे लिया गया है, एमसीक्यू बेसिस पे लिया गया है। तो देखते हैं अभी स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट कब तक आता है, आगे मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। तो इसी तरह से खबरों और वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।